الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. دروشي قرنيتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنى ہے کہ कोई काम कर जाए, घर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए, जिस काम के लिए आए वो काम ना बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम ना बिगड़े, हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। कब तलब की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जमाती है क्या रूह कलम तेरे गिरामी फजल मुअज्जिज़ीन इलाका और आज की इस बाबरकत तकरीब के मेज़बान मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब जामे मस्जिद हाजर की इंतजामिया कमेटी और आज के इस बाबरकत प्रोग्राम हफाज कराम की दस्तार कमेटी ने जिस लिहाज से जिन अहबाब ने हिस्सा लिया अल्लाह करीम कबूल फरमाए। आप हज़रात माशाअल्लाह
सुलझे हुए लोग हो, मुझे कुछ भी आप हजरात के सामने गोश गुजार करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कुछ बातें करूँ। एक होता है बात का समझाना, एक होता है बात का मुजाकरा करना, और समझाता उसका शकील को है। और आप हजरात में तो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, और मैं आपसे एक बात का मुजाकरा करने के लिए आया हूँ। और यही बात तकरीबन रात मैंने तरंदा मोहम्मद बना गुलहमजा में लोगरा में बस्ती मलूक जलालपुर पीवाला में और आखिरी खतबा तकरीबन को मैं चार बजे करती शुजाबाद में, और मेरी अपनी बात आपसे करूँगा तकरीबन 7-7:30 बजे के करीब समुंदरी में, रात 11 बजे टाइम इंशाल्लाह गोजरा में, और 1 बजे शोरपोर्ट में। यही बात मुजाकरे करने के लिए आया हूँ कि जिस दिन हम ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में ताला लगा कर छोड़ जाते हैं, क्या उस दिन की हमारी जिंदगी में और हमारे घरों में हमारे बच्चों में कोई अहमियत कोई जरूरत है? अगर जरूरत है तो अल्लाह के वास्ते मस्जिदों को ताले, शरीयत मना कर रही है सख्ती से, शरीयत में मस्जिद को ताला लगाने की इजाजत नहीं है, तो छोड़ दो मस्जिद को ताला लगाना। अल्लाह के घर को मस्जिद नबी की दर पर 24 घंटे आबाद की इस उम्मत ने जो कमर बड़ी मुख्तसर के उम्र तबियत बहुत बहुत जल है, और मैं बड़ी मुख्तसर सी इख्तसार के साथ पढ़े लिखे लोगों को वर्किंग डे है और खेती बाड़ी वाले और मुंशी वाले स्कूल कॉलेज वाले लोग हो, तो मैं इतना वक्त आपका नहीं लूंगा। बात 2 घंटे करूँ या 4 घंटे कहना तो हमने यही है कि मौलवी ठीक हो गए तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा। बात तो यही है कि 14वीं सदी का मुल्ला ठीक हो गया तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा। जिनके सर में पगड़ी पड़ी इनके भी डारी अक्सर की नहीं होगी, क्या पता पेशाब करके सजदा करने के बाद इनके कतरे कुछ रह जाते हो, इनकी पेशाब वाली नाली हो, और क्या पता नमाज उस नाच पर ना लेके आते हो जिस नाच पर नमाज होनी चाहिए, पढ़ ली नहीं पढ़ी। लेकिन मैंने अपने रब से पूछा कि अल्लाह तेरी दारैन किताब को उन्होंने अपने सीने में उतारा और इनके नाम के साथ आगे हाफिज पीछे हाफिज आगे जी लिखा गया, इसका कोई मकाम है? कबल अन्नान 40 साल वालों को मेरे इतना बेशक तो उसको जहरमी समझो, बेशक 14वीं सदी का बोला अच्छा ये बोला जो तुम्हारी नजर है, दुनिया दारुल अमल है जैसा आखिरत ये मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना इस बच्चे में से एक बच्चे को जिसके पाँव के जूते की हालत भी ठीक नहीं और जिसका अपना चाल ढाल के कुछ बेहतर नहीं, इसे नमाजी और बेनमाजी के हाथ के एहसास का खाने के एहसास का कोई पता नहीं, अब्दुल हनान इसको स्पोर्ट के साथ के अबाई कब्रिस्तान के पास ले जाए और दीवार के किनारे से लेकर आखिर तक इसके नायलन वाले चप्पल के साथ इसे गुजार दे। इस नकली सी जान का मुझे इतना हया है, इसके गुजरने पर कब्र वालों का मैं अज़ाब कब्र माफ कर दूंगा। बाकी मुझे नहीं पता मौलवी ठीक होगा तो माजरा ठीक होगा, फिर मैंने कहा कुछ और ये मुसल्ले मुंबई का वारिस इसकी कुछ हैसियत है, बस सारे 40 साल वालों को कह दो ईशा की नमाज से लेके फजर की नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ते हो, और ईशा की नमाज पढ़ाने वाले को कह इनके सामने चटपाई डाल के सो जा, मुझे मेरी इज्जत की कसम इनको कुरान की तिलावत में वो जब भी मिलेगा जो तुझे भी ठीक इनके खराब तो मैं अल्लाह जरा ताब फरमा उसने यूँ किया यार मेरी अले हालत चंगी कोई नहीं, अले मेरी
आदत चकी कोई नहीं। 8 दिन हो गए मैं दाढ़ी आने कोई नहीं बनाई। ते मैं 10 मिनट दे या तू चाबी लेके चला जा, ते मेनू लेके जाना चाहना है 10 मिनट दे, मैं देखना इंशाल्लाह मैं उन्हें नहीं भूल गया। ते दाढ़ी साफ करा के ते ना के लोग की कह के मेरी सूरत लेके आ गया। कोई मैंने देखा तेनू तो वही में हलचल नहीं गई। मैंने कहा हुआ क्या? कोर्ट की साग वाले इसको जवान को कह दो इसने ला हाथ करके कहा कि ऐ शक्ल पूरी पूरी जंगी बना लवा, इसको को कलमा भी दोबारा पढ़, निकाह भी दोबारा करवा। तो ने यहाँ उंगली उठाकर सुन्नत को पूरा कह दिया, तो दायरा इस्लाम से खारिज भी हो गया है, तेरा निकाह भी टूट गया है। जाओ मेरे उस मुहसिन, मेरे प्यारे, मेरे उस बच्चे, मेरे उस भाई, मेरे उस बुजुर्गवार को बताओ जो सारा दिन बैग लेकर लोगों के घरों के अंदर डेरों के अंदर आकर नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाता है, उसको कहो जब उतरवाने वाला दारे इस्लाम से खारिज हो गया, उतारने वाले के हाथों की कमाई खाकर खाने वाला वक्त का अब्दुल खादिर जिनानी बनेगा, उत्ता बिल्ला तो बनेगा, खुदा की कसम में भी छिपके फिरी नहीं बनेगा। मैंने कहा जी मेरी नहीं मानते, बाजार में गए खजूरों के ढेर को देख के कहा खजियां हैं कि खजड़ियां हैं, पर मैं सक्कर खानपुर खैरपुर मुजफ्फरगढ़ गुजरांवाला लाहौर की खज्जी को खजड़ी कह देना, मेरे नबी के मदीने की खज्जी को खजड़ी भी ना कहना। अगर तूने हंस के कह देना है कमाना तो फिर की हो जाएगा, कह दिता खजड़ी, पर मैं उसका भी निकाल टूट गया, वो इस्लाम से खारिज हो गया है। तौबा कर, कलमा पर अपना अपना निकाह भी दोबारा करवा, तूने हुजूर के शहर की चीज को बुरा कह दिया। कहाँ बैठे हो भाई? हमें रोडों पर निकाला जा रहा है, ये अच्छी चीज से वास्ते ही क्योंकि हमारा काम है, हमें घर का वक्त नहीं मिलता, हुकूमत का हम क्या साथ साथ दें, हमें इससे कोई जरूरत नहीं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, मुझे बताओ तेल महंगा हुआ, तुमने मोटरसाइकिल में पानी भरना शुरू कर दी, चीजें महंगा हुआ। मैंने राजद को जाना था, मैंने कहा यार आज क्या पता पेट्रोल पंप पर रश ना हो, उसको लाइनों में लगना पड़ा। मैंने कहा खान खान होके कह रहे मर गए मर गए मर गए, 65 रुपया बुजुर्ग होता तब भी उसी तरह था, 140 अब 170 होगा तब भी ऐसे होगा। आटा 40 रुपए 20 रुपए से लेकर 100-115 तक आ गया, बताओ इसने दो रोटियों से एक रोटी की, चीनी मेरे चावल कितनी महंगी हुई किसने छोड़ दी। हुजूर की बहस है, अल्लाह ने जब इस दुनिया के अंदर भेजा, एक अल्लाह ने हजरत इंसान से, नबियों से नहीं फरिश्तों से नहीं, हजरत इंसान से अल्लाह ने एक वादा दिया, अल्लाह ने एक वादा हजरत इंसान को कहा था कि मेरा तेरे से वादा, क्या वादा? तू मेरे से वादा कर मैं तेरे से करता हूँ, या अल्लाह क्या वादा? फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, डंडा उठा ले अपने घर के अंदर, जब तक तेरे बच्चे नमाज का सजदा ना करें चैन से ना बैठ जाओ। या अल्लाह मैंने दुकान खोलनी होती है, मैंने खेती बाड़ी करनी हो, किस लिए? रिज़्क के लिए। मैं तेरे से नहीं सवाल करूंगा, नहनु नरज़ुकु, मैंने अगर तुझे पैदा किया, तेरे बच्चों को पैदा किया, तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम तेरी इज्जत का इंतजाम की, मैं अल्लाह के लिए करूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, नमाज फर्ज नहीं, रोटी फर्ज है, और बच्चे कमाना भी तो फर्ज है। आपको पता है हमारे साथ हो क्या रहा? आज हम यहाँ बैठ के हुजूर की सीरत बना रहे हैं, हम माशाल्लाह सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, जिन्होंने बाजारों में निकल के बनाए वो काफर हो गए। क्यों भाई? अजय कुछ ठीक है, कुछ खराफात थी, हद से ज्यादा थी, बढ़ गई, हमने ओहो ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस मस्जिद से जुमे के दिन अरबी हबाया पैर करोड़े पड़ने शुरू हुए, दूसरे ने कहा तेरे को वध रहे हम तुझे पत्थर मारे। जिस नबी को तुमने पूरे 24 घंटे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगा के बाजारों में बुलाया, और जिस नबी की जिंदगी को आप सुन रहे हैं, बताओ गुलामी कहा? चलो मेरे घर चलो, आप तो मेरे घर चलो, दिखाओ गुलामी कहा मेरे बच्चों में। हुजूरियत की बहस एक उधर से शुरू होगी, असा यार मोहम्मद कहना है ना, नजदी ना सड़ते रहना है, और इधर से पैगाम जा रहा है कि उस्ताद से ये बिदत है फलाना है, तो सही बताओ कि तीन सही कहां से लेके हैं?
ट्रालियों पर, रक्षों पर, गाड़ियों में जो भी निकला हुजूर के इश्क और मोहब्बत में निकला, किसने गाली दी नबी को, किसने शरबत, किसने दूध, किसने खजूरें, किसने चावल बांटे, या हुजूर की दुश्मनी में मोहब्बत तो बांटे ना। आग कहां से लगी, गलती कहां हुई? इस मिंबर को हमने उन लोगों के हाथों में दे दिया ना जिन्हें अपनी इज्जत का एहसास रहा, ना अल्लाह उसके रसूल की इज्जत का एहसास रहा। उसको कहा मौली साहब नमाज पढ़ानी है, तनख्वाह जुमेरात के दिन स्पीकर खोल के बैठ जा, कमाई जा, 5 रुपए में जन्नत बेची जा, जितने पैसे होंगे आधे तेरे आधे हमारे, बिजली का बिल अदा करते रहेंगे। मौली साहब 3 गल्ले हैं, इस गली के गल्ले तेरे लिए, इस गली के गल्ले मस्जिद के बिलों के लिए मौज करते रहे। उन्होंने कहा मुर्दा कौम जिसको यही एहसास नहीं है कि मस्जिद का पैसा मौलवी पर किस तरीके से जाय होता है, इन्हें कुरान सुनाने की क्या जरूरत है, इन्हें थोड़े टप्पे सुनाओ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। उसने सुनाया, मैंने कहा मेरी मस्जिद के मौलवी ने सही कहा, जो मेरी मस्जिद से मुझे पैगाम मिला उसने बुला जाके पैगाम सुना दिया, इनका कसूर क्या था, ये नालायक, ये झड़िया लेके फिर रहे थे, ये इनको किस मुफ्ती ने गाइड किया मुझे बताओ। देखिए मैं जवाब गोरा काला दुश्मन आशिक, दुश्मन आशिक, कब तक जिंदगी ऐसे धोखे में गुजार करोगे? अगर बाजार में निकलने वाले गलत हैं तो वो तुमसे पूरे रबीउल अव्वल के जुलूस वाले सवाल करते हैं, हम गलत हैं, मानते गलत हैं, ये झंडियां, ये झंडे, ये बैंड सब गलत हैं, लेकिन तुम बताओ नबी की जिंदगी तुम दे दो तो जरा कबूल कर लेते, बताओ नबी की जिंदगी मेरे पास है। मैं तो आज ताजा ताजा खत्म नबूवत की पगड़ी पे हमला किया, सैयद आयशा, अम्मा फातिमा, माँ खदीजा, वो भी कब्र में पड़ी रो रही है। मैंने कहा कहां क्या हुआ, अब्दुल्लाह कहां जा रहे, मैंने कहा कोर्ट इशार क्या करने, अल्लाह अकबर, फातिमा तेरे बाबे की, आयशा तेरे घर वाले की सीरत सुनाने के लिए, ओ वो सीरत सुनाने के लिए जा रहे, जिस सीरत को सुबह इन्होंने 30 रुपए में बेच दिया। अल्लाह दीजिए जवाब, पूरी दुनिया में इस दो मोबाइलों के जरिए मैसेज आ रहा है, क्या जवाब दोगे? कैमरा घुमा के जरा उशाकर रसूल की हालत को देखिए यार, मुझे जिंदगी का 49वां साल, 50 में मैंने मौत को इस महीने 3 मरतबा करीब से देखा, और एक मरतबा तो हाथ आधा पकड़ा मैंने छुड़ा दिया, शायद मेरी जीत बाकी। आपकी हलाल कमाई, आप यहां मुझे लेके आए, सारे खड़े हुए बूढ़े, मुझे शर्म है आप हजरात के पास अंदर थे, मैं उम्र में छोटा हूं, आप बड़े, आपने खड़े होकर मेरे इस्तकबाल किया, आपने जिंदाबाद के नारे लगाए, आपकी टीम की कमाई से मैं अपनी गाड़ी का किराया वसूल करके जाऊंगा। तो मैं तो बेवकूफ हूं, मैं कोई जलील खानदान का हूं, मैं कोई बदतमीज हूं, खानदानी मैं फर्द हूं अपने घर का, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो जो है वो एक रोशन चराग हूं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कयामत के दिन आप गौसर पे खड़े हो और फरिश्ता मेरे दोनों मुंह के हिस्सों में जबड़ों के अंदर हाथ डाल के खड़ा हो, तेरी बातों पे अमल करते थे ना, आप पे कितनी बात कह के निकल जाएंगे, या अल्लाह जो मौलवी ने काम नहीं कर दिया मेरा क्या बने, जब मेरे छेड़े मारेंगे फरिश्ते और कहेंगे सफेद लिबास पहन कर, गोल गला पहन कर, चकोर दामन पहन कर, नबी की सुन्नत का लिबास ओढ़ के छोटा दिन सुना क्या, ये तो बाबू जब 11 नंबर का छानना चलेगा ना, जब मेरे जी को टोटा और बासमती अलहदा होते हैं, फिर टोटे की कीमत अलहदा होती है, बासमती की अलहदा फसल दोनों की एक ही होती है, बीज दोनों में एक पड़ा होता है, सिद्धों के अंदर दोनों ही एक दाने आते हैं, फिर टोटा इधर रह जाता है, साबुन इधर चला जाता है, जब छानना चलेगा उस वक्त पता लगेगा गुस्ताख कौन था और आज के रसूल कौन था। एक आदमी मेरे पास आए, मिसाल दे रहा हूं, मेरे पास है क्या, नहीं मौलाना, मैंने कहा जी, कहने के लिए जरा बड़ी परेशानी है, मैंने कहा हुआ क्या भाई, कहने के 15 साल मेरी शादी को हो गए और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां निभा नहीं, बीबी को देखता हूँ क्या आग बगोला, अभी मुझे देख के आपके सवार होते एक दूसरे को गाली निकाल मार भी देते, इनका जवाब बच्चा को जूता मार दे, थप्पड़ मार दो, मैं थप्पड़ वो जूता, बच्चों में तमाशा बनता, मौली साहब सुकून दे, मैं उस नबी का कलमा पढ़ा उम्मती हूँ जिस नबी की 9 बीवियां मस्जिद की दीवार के साथ गुजरे थे, मैंने सुना है कभी भी किसी के घर से परेशानी की रोने की आवाज़ नहीं आई, मुझे वो जिंदगी देखा कि उस जिंदगी को अपने घर में लेके जाऊँ,
मैंने सुना है कि नबी की बेटी के तीन बेटे थे, हसन हुसैन, तीन बेटियां रुकैया उम्मे कुलसुम ज़ैनब, ये सितम शरीफी है उन पर हमारी तरफ से, हम दो को याद करते हैं बाकी को याद नहीं करते। तो मुझे कहा हजरत अली दूल्हा बनकर आए और फातिमा दुल्हन बन के पेमत वाली चादर में रुख्सत हो गई। फिर अल्लाह ने उनकी गोद को बात किया, किसी घर से किसी पर थप्पड़ पड़ने की, जूता पड़ने की, बाल खींचने की, मारने की, किसी औलाद के रोने की और माँ बाप के उन पर जो है मुसलत करने की आवाज नहीं आई। और ऐसा मुझे भी वो जिंदगी दे जो हुसैन के नाने ने फातिमा की गोद में दी थी, ताकि मैं अपनी औलाद को दूँ, ताकि मेरी औलाद मेरे बच्चों की या मेरे दोते पोतों की तरबियत कर सके। मैंने कहा आप जुमे के दिन तशरीफ लाइएगा। आपने मेरे पे एतमाद किया और जुमे के दिन आए, अरबी उबाया, सर पर पगड़ी। आपने कहा इससे बड़ा पीर तरीकत रहबर शरीयत है ही कोई नहीं। मैं आके बैठा, मैंने खुतबा भी पढ़ा, मैंने अल्लाह की तारीफ भी की, मैंने दुरूद शरीफ भी पढ़ा और फिर मैंने ये बैठा था कि ऐसी मौली साहब एक घंटे में गुफ्तगु करेगा कि मेरा घर जन्नत नजीर बन जाएगा। मैंने आके इसको कहा सुभान अल्लज़ी अशरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को घर से उठाकर मस्जिद हराम के अक्सा में ले गई, फिर वहाँ से ऊपर आसमानों। उसने मुझे इशारों में कहा और इस बात घर टूट रहा है, बीवी ने वकील कर लिया और वो तलाक मांग रही है, खुला का दावा हो गया। मुझे एक घंटे की तकलीफ में बता घर कैसे बनाऊं, घर कैसे बनाऊं। मैंने कहा भाई रबी अव्वल आ रहा है, चंदा इकट्ठा करो, मस्जिद सजानी है, रबी अव्वल आ रहा है, सीरत का जलसा करके अब्दुल रहमान ने कहा मौली साहब खुदा के वास्ते घर जाऊंगा, मुझे रोटी नहीं मिलनी, मुझे बताओ मैं बीवी के साथ कैसे पेश आऊं। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह की कसम कायनात के मसीहाओं से, उम्मत के पेशवाओं से, उम्मत के रहबर और रहनुमाओं से, मखलूक जब ना उम्मीद हो जाए, फिर उन लोगों के हाथों में उनके हाथ आ गए, ना उन्होंने उनके ईमान को छोड़ा, ना पैसों को छोड़ा, ना इज्जत को छोड़ा, अब तो उन काफिर कहते हो कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है। आठ दिन के बाद आप प्यास लेके आए थे, मैंने आपको जुमे के खुतबे में बजाए फिरका बारियत और गोलों पर तनकीद करने के मैंने आपको दिया था। आप तो अपनी कमाई के करारे करारे नोट मस्जिद के गले में डाल लें, आपकी कमाई से बिल अदा हुआ, पक्के की हवा मुझे मिली, आपकी कमाई से बिल अदा हुआ, लाइट रात के अंधेरे में मुझे मिली, मैंने जुमे के खुतबे की तैयारी की, मैंने तो आप पर सुनन किया, मैंने तो आपके लिए खैर तो का सोची। हमें कामयाब कौन कहेगा, हमें कामयाब कौन कहेगा 1450 साल गुजरने के बाद ये उम्मत आज तक तारीख पर मुत्तफिक नहीं हुई कि कौन सी तारीख को नबी दुनिया के अंदर तशरीफ ले गया। दीजिए जवाब ताकि मैं मुतमईन होकर अगले इलाके में जाकर बात कर सकूं। नौ को होगी नहीं, जुमूर का कौल है 12 को होगी नहीं, जुमूर का कौल है 8 को। उन्होंने कहा 63 साल की जिंदगी तुम्हारे में गुजार के चला गया, बदर पौध होने खंदक के अंदर मार के इस्लाम के हुए उम्मत के लिए रो रो के चला गया। ये उम्मत कितनी बेहिस है, इसे हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम और पैगंबरों की पर छुटे के दिन याद है नहीं यार, तो इन्हें अपने आप का इनाम दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन ही पता हुई। हजरत एक गुरु ऐलान सुने, ताला खबर क्या खबर, मुल्तान गुजरांवाला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे के मौका पर सबसे ज्यादा वजनी कौन केक यहाँ काटा गया, काटने वाला कौन था बताइए, अरबी वाया पीरे तरीकत रहबर शरीयत था, ऐसा किसका लगा आपकी हलाल कमाई का एडवांस तनख्वा लेकर दुकानदार से मालिक से मुलाजिम ने कहा 2000 एडवांस दे दो, ईद मनाते तक की बढ़ा नहीं है, 2000 दे दो। उसने अपनी हलाल कमाई 12 घंटे उसकी दुकान के आगे झाड़ू, उसके पानी का कूलर भरा, फिर उसकी खिड़कियां सुनी, उसकी दुकान में झाड़ू मारी, फिर उसे 2000 एडवांस मिले। वो लाया मौली साहब नबी की विलादत कैसे मनाऊं, मैं कहता रोजा रखे, मैं कहता सलातुल हाजत पढ़ के, शुक्राने की नफिल पढ़ के, दुरूद शरीफ कम से कम अपने घर के अंदर 10,000 पढ़ता तो
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन आपके रोजे में सुबह, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर इसको दुरूद पे लगा दिया तो फिर मेरे घर तो खाना नहीं आएगा। मैंने कहा चल हफ्साबाद चले और गौर में देख सीधे बड़ा केक लेके आए और उसको के इधर मक्का, इधर मदीना, इधर दुरूद शरीफ, इधर कलमा तैयबा और दरमियान में लिखना है हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मुझे बुलाना, मैं हार पहनूंगा और गुलाब की पत्ती निछावर करना, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं आकर जहाँ हुजूर का नाम लिखा होगा मैं इतना बड़ा छुरा लेके नबी के नाम से दो हिस्से करूँगा। जालिम, तूने नबी के नाम पर छुरा रखा। अली अपने रोजे में तड़पने लग गया, आका अगर इसको हौज़े कौसर पिलाना है तो फिर मैं फिर मेरा क्या बनेगा। अली क्या हुआ, कब हुदैबिया का मौका था, कुफार मुसलमानों के दरमियान मुआहदा हो रहा था, अली वाले आपने कहा था लिखो शराइते, तो मैंने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मक्के के काफिर खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये मान लिया तो फिर झगड़े किस चीज का। आपने फरमाया था ना अली अपने हाथ से जो कलम तेरे हाथ में है ये मुहम्मद पर यूं करके अब्दुल्लाह पर मुहम्मद रसूलुल्लाह पर काट दे और मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दे। फातिमा के घर वाले हुसैन के अब्बे ने कलम रखा, आका हुक्म सर आंखों पर, अली कलम ये छुरा अपने गले पर तक उठा सकता है, तेरे नाम पर अगर मैंने कलम फेर दिया तो मुझे अली कौन कहेगा। खुदा की कसम अली ने तो नबी के नाम पे कलम ना फेरा तो अली वाला होकर हुजूर के नाम पर छुरा फेर कर फिर भी आज के रसूल है। ऐसी मदार हूँ पूरी दुनिया के अंदर, मेरा नंबर भाई मक्की साहब से जब मुझे बुलाओ मुझे इसका जवाब दीजिए। इतनी जन्नत सस्ती सरकार कबरे चावन में आखिर के अनुसार जो मेरा है और अल्लाह की कसम बनी के तारक और कुकड़ा और गोटी साथ दूर है, रोजा रसूल के सामने जन्नतुल बकी है। फातिमा लेटी हुई है, अब्बास नबी की नौ बीवियां आराम फरमा रही हैं, हजरत हसन आराम फरमा रहे हैं, बिलाल दमिश्क के अंदर आराम फरमा रहे हैं, महबूब गोट के अंदर हजरत अमर बिन अफ्सा आराम फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला जोनी आराम फरमा रहे हैं, अलकाब आराम फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर। फातिमा घर तशरीफ लाए, गिरी पड़ी है, सौ से हल्के भी चल रहे, अली क्या हुआ, खुद ही पूछ शर्मा गए, खुद ही पूछ रहे क्या हुआ अली। फातिमा बेटी को यहां प्यार किया, दादाओं के कल झड़ गया, मैंने पूछा बेटी को मेरा नबी कैसे प्यार करता था, मेरे नबी आज तक किसी बेटी की गाल पे प्यार नहीं किया, माथे पे प्यार या हाथ की खुश पे प्यार करते थे। फरमाया बेटी ये सीरत है, बेटी छह महीने की या चार महीने की, खबरदार तो बाप हो तो भाई हो ना उसके होंठों को होंठ लगा, अल्लाह अकबर ना उसकी गालों को हाथ लगा, ये मोहम्मद की शरीयत है। और वैसे मेरे किरदार में, गुफ्तार में, अकल में, सूरत में, नकल में, सीरत में बहुत इसको आला बनाया, इसे तो मैंने जन्नती हूरों की सरदार बनाया है। और तो बाप हो किसकी गालों पर हाथ हाथ लगाता है और फिर कहता है इसकी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी है, कैसे आ सकता है। यहाँ दो बेटी के बोसा और यहाँ दो बेटी, बेटे की विषय गाल क्या हो, हुजूर की सीरत है, उठाए बेटी को क्या हुआ। अब चार दिन की भूखी, आज पांचवी रात में कुरान पढ़ते पढ़ते कांगों की जान खत्म हुई, बुलाओ अली को, तुझे मेरी बेटी इसलिए नहीं थी कि मेरी बेटी को भूखा रखे। अगर मैं सर झुका अली ये तो अल्लाह की तकसीम है, तू क्यों सर झुका के खड़ा है, आप हमें शर्मिंदा हूँ और मैं मेरे से शर्मिंदा ना हो, अगर मैं तेरे के लिए करूँगा अली, अगर मैं तेरे के लिए करूँगा, अल्लाह अकबर, फिर सुसर कौन बन के दिखाएगा कि हमारा नबी एक नबी होने के साथ सुसर था जिसके जमात का कारोबार कोई ना था, लेकिन कभी भी बेटी में के घर में आके हमारे नबी ने बेटी की तरफदारी में झगड़ा नहीं। डाला उसी रखी के दोनों हाथों से पकड़ के उठाया, क्या हुआ, पांच दिन हो गए पेट में कुछ नहीं लिया, खड़ा नहीं हो जाता, यूं लिखा मैं तेरी कब्र में आऊंगा और तुझे छुड़ा के ले जाऊंगा, ना पढ़ नमाज़ें। और मैं फातिमा परेशानी अपनी जगह, फजर में गिर गई, जोर में समझ लेना, जब मैं आऊंगा तुझे बिस्तर पे ना देखो मुसल्ले पर देखो। फातिमा अगर तुम रोटी की खातिर नमाज छोड़ दो तो तुम्हें आले रसूल कौन कहेगा। चलो 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 घर में चलते हैं, लाओ नबी की सीरत, हर एक को ऐसी दुआ के अल्लाह देता नहीं, अल्लाह तुम्हें मांगा ही ला सके,
जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिली, जब फरिश्तों ने खाते ही बंद कर दिया। एहसास है मौलवी चीख चीख के थक गया, ओ भाई खुतबे के अजान से पहले तो शरीफ लाइए ताकि आपका नाम फरिश्ते अपने रजिस्टर में लिखे, आप रजिस्टर्ड नमाजी हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने मरना थोड़ी है, मैं तो तब आऊंगा जब पहली रात मिकात का क़याम हो चुका होगा। और इसके भी खो तरफ खाता ही करो, एक हालत में आया मैंने पंखा तलाश किया, मेरे वो कोने में खड़े होकर खुदा पर एहसान जताया, अरे पंखा तो सही कर लो, वहां से वहां अल्लाह पर एहसान जताया, मेरे सलाम फेरा अपनी पेशानी पर हाथ रखा। पूरी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, कहाँ तलाश करो मुझे बताइए सीरत। कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? किसे पूछ लो यार हालात बड़े खराब ने, यार तौबा कर नमाज पढ़ो। और ये मैं कहता कि ये जेड़े गुनाह करते ने ओ ते करते कोई तौबा ते मैं तौबा करता फिर अच्छा कर तू ना कर। खुदा का पैगंबर है जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम बैतुल्लाह शरीफ बना रहे, قران کا کہہ رہا ہے یہ رفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم। پاک پیغمبر کے کپڑوں پہ گارے کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی ہاتھوں کی انگلیاں گارے میں بھری پڑی ہیں, اماں ہاجرہ نے آٹا گوندا آٹا ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے, فرمایا جلدی آ جاؤ, اللہ اکبر, پیغمبر نے منہ نہ دھویا, پیغمبر نے نئے کپڑا نہ پہنا, دلہا کپڑا نہ پہنا, اسماعیل علیہ السلام کو نہ کہا اپنے ہاتھ دھو لے, فرمایا جس حالت کے اندر ہو اس حالت کے اندر ہاتھ اٹھا دو, ہماری اللہ اکبر اس پہ بسی کو دیکھ کے اس والے کو ہمارے پر پیار آ جائے گا, آج خدا کے آگے جھکنے سے پہلے تیرے میرے کپڑوں کا سلوٹ نہ پڑے, تیری میری 100 روپے کی استری کا سلوٹ نہ پڑے, طلب قرار نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے سے مانگنے آیا ہے یا میرے پہ روب چھاڑنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی تو مجھے اللہ اکبر 40,000 کا موبائل نکال کے دکھاتا ہے, کبھی اپنی گھڑی دکھاتا ہے, کبھی مجھے اپنی جوتے کی چمک دکھاتا ہے, اوئے بے شرما میں پڑھے پڑھو کے گردن کے سریے مروڑ کے رکھ دیے, مجھے اپنے پہ غصہ نہ دلوا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اگر میں نے تیرے پہ غصہ کر دیا ایسا زمین سے مٹاؤں گا تیری اولاد میں بھی تیری نسل میں تیرا نام یاد نہیں رہے گا۔ خدا کا پیغمبر اللہ اکبر میرے عزیزو بیت اللہ تعمیر کیا کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اے اللہ تو ہماری طرف سے اس خیرات کو ہماری طرف سے اس تعمیر کو قبول فرما لے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر فرمایا اچھا کام کر رہا ہے اور کہہ رہا الہی قبول فرما لے, بدلا دیا او میرے نبی کے امتیوں جب میرے سے مانگنے آؤ اپنی بادشاہت اپنی چودراہٹ اپنی قومیت اپنا عہدہ اپنی برادری مسجد سے باہر اپنی چوکیوں میں چھوڑ گیا ہے کرو, تکبر میری ذات کو لائق ہے, اگر کوئی مجھے تکبر دکھائے گا تو میں اسے قبر کے گڑے میں ایسا پھینکوں گا قیامت آ جائے گی اسے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کیا مانگا؟ انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو کچھ مانگتا ہے, باپ کے بیٹے کو کہتا ہے یہ کام کر کے آ, بیٹا جب کام کر کے آ تو باپ سے کہتا ہے وہ مجھے یہ دلا دے, امی کا کام کر کے کہتا ہے امی مجھے یہ دلا دے۔ خدا کے پیغمبر نے اللہ کا گھر بنایا, جسے شاید کہہ گیا دنیا کی سرزمین پر پہلا یہ گھر خدا کا, ہم پاسبا ہیں اس کے یہ پاسبا ہمارا, ان اول بیت مدعا للناس للذی ببکر مبارکا بودا للعالمین۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر یہ مسجد مدینہ کی, یہ مسجد اہل حدیثوں کی, یہ مسجد بریلیوں کی, اسی بنائیے ساڑھے پیو نے جگہ دیتی, اسی بنائیے ساڑھے پیو دا پیسہ لگا, سیمنٹ کی 500 بوری ہم نے دی تھی,
पांच लाख अपने मनी स्मान से पूछ दो दिए, हमने बनाई है। अल्लाह फरमाते हैं चलो तुम कौन हो देवबंदी हो, तुम कौन हो अहले हदीस हो, तुम कौन हो बरेलवी हो, चलो सारे सारे मिलके फैसला करो। इब्राहिम देवबंदी का, बरेलवी का, अल्लाहू अकबर। अगर बरेलवी की मस्जिद में देवबंदी की नहीं होती, देवबंदियों की मस्जिद में बरेलवी की नहीं होती, तो फिर इस मस्जिद को शहीद कर इसकी बुनियादें दोबारा तामीर करो। क्यों? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, एक पत्थर चार पहाड़ों के पत्थर परवरदिगार आलम ने चुने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास रखे, इस पत्थरों से अल्लाह का घर बनाना है, दीवारें बनानी है। जब पूरा खुदा का घर छत दरवाजों समेत तामीर हो गया, एक पत्थर बचा, खुदा का पैगंबर हाथ में लेके खड़ा हुआ है, इलाही में इसका क्या करो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे किसी कोने खांचे में लगा दे, कह लगे जगह न बची। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापिस चले गए और आए, कह लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर को अपने दोनों हाथों में लेके रगड़िए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर को दोनों में हाथों में लेके रगड़ा, बुरिंदा सा बन गया, चूरा मिट्टी का जर्रा जर्रा हो गया। फरमाया मेरा इब्राहिम फूंक मार दे, जनाबे खलील ने फूंक मारी, अचानक गुजरने गायब हो गए। यार ना कहां चले गए, का कोटी साग वालों को कह दो, बनी के वालों को कह दो, बेनी वाला सबाद वालों को कह दो, मुबारक 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 जिस मस्जिद के अंदर तुम नमाज पढ़ते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, मिट्टी का जर्रा उसी मस्जिद की बुनियाद में आके गिर गया था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजो, बुनियाद 1400 साल के बाद रखी, तबीर 1400 साल के बाद हुई। बुनियाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले जाने मस्जिद की 4000 साल पहले डाल के चला गया था। अल्लाह का घर बन चुका था, तायिन हो गया था, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي دے دیکھ ابراہیم خیر ہوئے بیت اللہ گھر بنایا اب تو کیا میرے سے میرا حبیب مانگے گا ٹھیک ہے تو نے میرا گھر بنایا ہے نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے مانگا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے لیے مانگا آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو تو چاہ رہا تھا کہ نکل گیا میرا شریر مذاق کی بات نہیں تو میرے سے میرا حبیب مانگ رہا ہے इब्राहिम कोई किसी को अपना महबूब कहता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, या अल्लाह अगर कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता तो कोई किसी के लिए अपने बेटे के गले पे छुरी भी कोई नहीं चलाता है। या अल्लाह तूने कहा छुरी चला दे, मैंने तभी तेरे से कोई पूछा था, जब मैंने छुरी चलाने में देर ना की, या अल्लाह आखिरी नबी को देने में मेरी झोली भरने में देर ना कर। खुदा का दरियाए करम जो होश में आया, फरमाया मेरा खलील तूने आज ऐसी बात कर दी, मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा, झोली को जरा संभाल ले, आज मैं ऐसी चीज दे रहा हूँ। इब्राहिम तूने वो चीज मांगी तो देने के बाद मेरे खजाने में कोई नहीं, इब्राहिम आज मैं तुझे वो दूंगा, जब तुझे देते पता लगेगा मैं अल्लाह को दे, मुझे मैं तुझे लेते पता लगेगा, मैं अल्लाह को देते पता लगेगा। क्या? रब्बाना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिक ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। वो देखो मेरे अजीजों, दुनिया में तशरीफ आवरी का वक्त हो गया, जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा इब्राहिम मैं दूंगा, ये रात के अल्लाह के सामने अटखेलियां करने लग गई, इलाही दिन में उजाला रात में अंधेरा, मैंने कभी तेरे से उजाला मांगा? दिन कहने लगा इलाही रात में ठंडक दिन में गर्मी, मैंने तेरे से कभी ठंडक मांगी? आज क्या बात है, क्यों अटखेलियां कर रहे हो, क्यों बड़ाई ले रहे हो? दोनों कहने लगे इलाही सुना इब्राहिम की गोद में आखिरी नबी आने वाला है, या अल्लाह इब्राहिम की दुआ कर समरा, आपना की गोद में आज एक नबी आने वाला है, या अल्लाह ये अगर नेमत मेरे हिस्से में आ जाए। दिल का लगा नहीं 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 मेरे हिस्से में आ जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी रहमत बन के आ रहा है, मेरा मत सबके लिए अकेले के लिए नहीं, अगर दिन को दूं तो रात मायूस रह जाएगी, अगर रात को दूं तो दिन मायूस हो जाएगा। 22 अप्रैल 571 ईस्वी 4:20 सुबह शादी का वक्त, अल्लाह ऊपर हरमे काबा में, आज भी मक्का पाक में सुबह शादी का वक्त इतने बजे होता है। फरमाया रात की अल्लाह दिन अल्लाह, फरमाया दोनों आ जाओ,
रात के जाने का वक्त हो गया, दिन के आने का वक्त हो गया, और मैं रात तुझे भी मालूम ना रखा, दिन तुझे मालूम ना रखा, तो दोनों दामन फैला के बैठ जाओ। अल्लाह अकबर 4:20 पर कायनात के अंदर सारे नबियों का सरदार आमना की गोद में आ रहा। हुजूर की दाइया का क्या नाम है? जोर से क्या नाम है? हुजूर की दाइया का क्या नाम है? यतीमा तो वो है जिसने नबी को गोद में उठा के दूध पिलाया। डिलीवरी होम में कौन सी यतीमा थी? डिलीवरी केस हो रहा था, वो कहाँ कौन थी? हजरत शिफा बिन यसबत। ये कौन है? जनाब अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी। अल्लाह अकबर। सबसे पहली मर्तबा दाई होने के नाते हुजूर का दीदार किसी दाई ने किया। अल्लाह अकबर। कहने जब मैं अल्लाह अकबर डिलीवरी केस हो रहा था, आमना की नबसत, कभी आमना के माथे पर एक पसीने का कतरा आमना की जुबान से आई हुई की आवाज नहीं, आमना होश में तो है। कहा अल्लाह अकबर शिवा, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। इतनी देर में मैंने देखा कमरा जगमग जगमग करने लग गया, दिल धड़कने लग गया। मैंने देखा आमना की गोदी में सारे नबियों का सरदार आ गया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आमना ये क्या है? आमना मेरे से कहने लगी ये क्या है? इतने बीमारी गुफ्तगु के दौरान रहमत कायनात ने अपने आप को चटपाई पर लिटाया, फिर पेट के बल लेट गए। अल्लाह अकबर। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे चटपाई पे टिका दी, फिर एक हाथ पाए हाथ पर अपना पूरा जोर। अल्लाह अकबर। अभी अम्मी नहीं था, अभी अबू नहीं था, अभी दादे ने भी देखा, एक हाथ पे अपना पूरा जोर डाला और शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके कुछ होंठों को हिलाने लग गए। अम्मा कहने लगी मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैंने कहा इलाही अब्दुल्ला की निशानी मिल गई। इलाही ये क्या हो रहा है? ये बच्चा कौन सी निराली हरकत कर रहा है? हजरत रहमत दो आलम ने अपना सर यूं करके पेशानी को चरपाई के ऊपर रखा, सजदे में रखा। अल्लाह अकबर। कमरे में आवाज गूंजी मशारिक अल मगारिबा, इसको मशरिक मगरिब की सैर करा दो, शुबान के मुंह वालों को चेहरा दिखा दो, और फर्श वालों में लाल कर दो। ओए लोगों, किस वजह से अल्लाह ने जमीन बनाई थी? तखलीक कायनात सोना मोहम्मद दुनिया के अंदर आ गया है। मेरे अजीज अल्लाह अकबर। सैयद आमना कहती है जब हुजूर ने सजदे से रुख अनवर उतारा और आंखों में चेहरे में इतनी चमक थी, आमना की आंख में वो ताब ही ना थी कि हुजूर का चेहरे मुबारक का दीदार कर सके। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हुजूर हमारे सामने बैठे होते, अल्लाह के नबी कैसे होते? जब रहमत दो आलम यूं करके सर उठाते, हम यूं करके सर झुकाते, दो हस्तियां एक अबू बकर उमर, एक अबू बकर दूसरे उमर, वो यूं सर करके बैठे रहते, बाकी सारे सर को झुका लेते। सहाबा इकराम क्या बात है, तुम हुजूर के दीदार से बेहयाब नहीं होते? आंखों के नूर में वो ताब ही ना थी कि वो खड़े पे नजर टिका सके। अल्लाह की कसम, जिसे देखने की सलाहियत थी वो कायनात के अंदर दो थे। अल्लाह अकबर। एक अबू कहाफा का बेटा अबू बकर था, दूसरा सत्तार का बेटा उमर रजी अल्लाह तआला। अब ये दो ही थे जो हुजूर को देख सकते। इधर क्या हो रहा है? आप तो मुतरी खिलाफ काबा बैतुल्लाह का पर्दा सारे मक्के वाले हैरान हैं, यहाँ सरदार को क्या हो रहा है? इतना रो रहे बच्चों की तरह। मक्के के सरदार इतनी दाल के खड़े हुए, क्या बात है? दे दे ना, दे दे ना बेटा, दे दे मेरे अब्दुल, मेरे अब्दुल्ला की निशानी दे दे, मेरे अब्दुल्ला का नाम बच जाएगा, दे दे ना आमना की गोद में बेटा दे दे। जिब्राईल मशरिक मगरिब शुमाल जुमून जुनून में ऐलान कर दे, आज आमना की गोद में जो बेटा आ रहा है, अल्लाह अकबर, जहां डिलीवरी हो रही है इसके सदके जरे की गोद के अंदर बेटा ही आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आदिश गर्दा जो 1000 साल से ईरान का जर्रा था बुझ गया। अल्लाह अकबर। कहते अबियत जो मेरे अजीजों को शेरवान ने महल तमीर कराया था, उसके 14 कतरे मेरे अजीजों गिर गए, तो शेरवान फड़फड़ा के उठा। उसने हिरा के बादशाह को खत लिखा, उसने कहा मेरे पास कोई बंदा भेज, कोई नजूमी भेज दे जो बताए कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने अब्दुल मसीह को भेजा,
अब्दुल मसीह को जब सारे हालात बताए, उसने कहा शाम में मेरा मामा सती रहता है, उसके पास जाओ। अल्लाहु अकबर। अब्दुल मसीह को सती के पास वो शेरवान ने भेजा, जा इसकी तबीयत पूछ किया। सती का आखिरी वक्त था, आखिरी मराहिल के अंदर वो अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल जी रहा था, आखिरी वक्त था। जब अब्दुल मसीह भाण जब मामे के पास गया और जाके कहा सती मामा, सती मामा। इतना बुरा था कि उसके अबरुए उसकी बल्कि उसके डेलो कुरान पर पड़ी हुई थी, यूं करके उठाई। अब वो क्या कहता है, यही पूछने आया है ना, आतिश का दाग बुझ गया, यही पूछने आया है, 14 कंकरे बादशाह के गिर गए। अल्लाह अकबर। हां हां, तुझे कैसे पता लगा? आखिरी वक्त है, काश काश पे जीता तो मैं उसका दीदार करता, लेकिन जानू शहरवान को कह दे तिलावत करने वाला नबी आ गया, असाब पकड़ने वाला नबी आ गया। अल्लाह अकबर। सती का हिरा न रहा, सती का मुल्क शाह न रहा, मसीह का हिरा न रहा, हिरानो शेरवान का नारा उसकी उम्मत तक करीब आने वाली है, जो तेरे तख्त और तेरे ताज को तहस नहस करके रख देगी। अल्लाह अकबर। उसकी बशारतों से पता लगा सारे नबियों का सरदार दुनिया के अंदर आ गया है। ये हुजूर अलैहि सलाम का तारुफ हो रहा है, अभी पता नहीं है, किसी को नहीं पता, 47 वालों को नहीं पता अल्लाह का नबी। अहमद इब्राहिम अलैहि सलाम ने जब इलाहे नबूवत फरमाया और तो हाथ का जमाना आया, आपने कैसर रूह को खत लिखा, दाहिया कलगी रजी अल्लाह अन्हु को भेजा, जाओ ये सब लेके जाओ और जाके बताओ दावत इस्लाम की कबूल करे, अल्लाह का नबी सारी दुनिया में आ गया। दाहिया कलगी सहाबा में हसीन तरीन सहाबी जिब्राइल अलैहि सलाम ने अगर अचानक आना होता तो यूं ना कहते सहाबा को हटाओ, दाहिया कलबी का रूह धारते हुजूर के पास आते, कोई बात करते चले जाते, फिर आप फरमाते पता है ये दाहिया कलबी था, ये दाहिया कलबी नहीं ये जिब्राइल था जो उसकी सूरत में मेरे पास आया, मुझे अल्लाह का हुक्म सुना के चला गया, ये खत लेके गए और उस पर लिखा था अल्लाह के नबी है, इस्लाम कबूल कर बच जाएगा। उसने 500 अल्लाह अकबर मुल्क के सफीरों को इकट्ठा किया, बड़े सरदारों को 500 हंगामी इजलास बुलाया, दाहिया कलबी कहने लगे मेरी आओ भगत, उसने बहुत ज्यादा की बहुत ज्यादा इजलास बुलाया। मक्के से जो सरदार आए थे अबू सुफयान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा था, वो आए अल्लाह अकबर, मुझे किसी ने बताया मक्के से अबू सुफयान आए हैं, अभी कलमा नहीं पढ़ा, मैं डर गया, मैंने आसमान की तरफ रुख किया, मैंने कहा या अल्लाह ये कैसे रूम इल्तले रूम, इलाही हर एक से पूछे अबू सुफयान से ना पूछे, वो तो हमारी मुखालफत ऐसी करेगा कि पता नहीं वो कलमा पढ़े ना तो जिंदा ही बच के नहीं जाऊंगा। खुदा की गर्मी ऐसी जब 500 सरदार आके बैठे, अबू सुफयान बादशाह कैसे रूह के सामने आके बैठ गए। अल्लाह अकबर। परवर दिखाने आलम दिखाना चाहता था बादशाह वक्त नहीं, यूं करके अबू सुफयान रजी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा किया, उठ लिए। दाहिया कलबी कहने लगे मेरे तो वही घुटने ही ठंडे हो गए, मैंने कहा अल्लाह अकबर अब यहाँ से कैसे वापस जाऊंगा। अबू सुफयान की वो तुम्हारे में नबी आया है, दाहिया ने तो यूं देखा उसको, झगड़ा बरादरी में झगड़ा, अकीदे में झगड़ा, अल्लाह अकबर फिरके में झगड़ा, हर चीज के अंदर झगड़ा, लेकिन हूँ मुशरिक लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। का फिर बता खानदान कैसा, कलमा नहीं पड़ा, कहने तो उसके दादे जैसा दादा कोई नहीं, उसकी दादी जैसी दादी कोई नहीं, उसकी अम्मा जैसी अम्मा कोई नहीं, उसके अब्बा जैसा अब्बा कोई नहीं। अल्लाह कैसे उनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने का बता साथ ऐसी है किरदार तो किरदार कैसा। अब उस सुफयान अपनी अखियों पे हाथ रख के कहने लगे ये आंखें गलत देख सकती हैं, मोहम्मद की जुबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता, ये मक्के का काफी कह रहा है। अल्लाह अकबर। वो कैसे रूप खड़ा हुआ, कहने का बस 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 रसूल नबी, तो मानो या ना मानो मैं तो मान गया वल्ला का आखिरी रसूल। उस वक्त उसने क्या किया, काश अगर जिंदगी मुझे मौका दे उनसे मुलाकात का, अगर मेरा
उनका आमना सामना हो जाए। मुसाफाबाद में करूंगा, माखाबाद में चूकूंगा, कलमाबाद में पढ़ूंगा। पहले पानी का बर्तन मंगवाऊंगा, उस बर्तन में पानी डलवाऊंगा, फिर उसके दोनों कदम उस बर्तन में रखवाऊंगा, फिर अपने हाथों से उसके तलवों को रगड़ूंगा, फिर मैं उसे बर्तन से बाहर निकालूंगा, फिर वो प्याला वो बर्तन तबू के लगा के उसके कदमों का धूल पीटाऊंगा और दुनिया वालों को बता दूंगा इस्लाम जैसा दीन कोई नहीं, मोहम्मद जैसा नबी कोई नहीं। हाय बाजारों में फिरने वालों, जलसे करने वालों, अभी तक हमें नबी समझ नहीं आया। खुदा की कसम, दुकान समझ आई दुकान को वक्त दे दिया, जमीन जरा समझ आई जरात को वक्त दे दिया। काश अगर आपको मुझे नबी समझ आ जाता तो खुदा की कसम नबी की जिंदगी में दुकान भी कुर्बान हो जाती, जरात भी कुर्बान हो जाती। उसकी वजह ये कि अल्लाह का नबी आज तक हमें समझ नहीं आया है। अगर समझ आता तो आपकी मेरी जुबान से ये लफ्ज़ ना निकलता। सुनना भी तो है, पढ़ लो स्वभाव है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। खुदा की कसम इस सुन्नत के लिए तो बिलाल के चमड़े उधड़ गए, इस सुन्नत के लिए सुबैया के टुकड़े हो गए, इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए जरीरा की आंखों में नोए के सरिये गाड़ दिए, इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए आले यासिफ में नजीरों अल्लाह अकबर छुरियों के नीचे लाया गया, इसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए कर्बला के अंदर आले रसूल का कुनबा कुर्बान हो गया। मैं आखिरी बात करके मेरे अजीजों जा रहा हूं, आखिरी बात करके जा रहा हूं। अल्लाह हू अकबर। इमाम ज़ैदुल आबिदीन का बेटा बाबर कहने लगे रहमतुल्लाह, अब्बू जी क्या हुआ? कहा अब्बू जी कभी जिंदगी में मैंने आपको खुशी की बात पर भी हंसते नहीं देखा, अब्बू जान हंसते क्यों नहीं? कहने लगे बेटे मेरे कर्बला के मैदान में अपने बाप के मुंह से एक टुकड़ा सुना था, वो जब मुझे चुप लाया था अल्लाह मुझे हंसते नहीं देता। कब्बा क्या? कहा मेरा बाप जब अली असर के 6 महीने या 2 साल के लाशे को उठाकर शहबे के पास लाया, मेरा अब्बा देख के रोने लग गया। पता है मेरे अब्बे ने क्या कहा था? या अल्लाह इब्राहिम ने बेटे के गले को कटा देखा, छुरी चलाई, अल्लाह अकबर छुरी चलती नहीं थी, इस्माइल ने अपना रुमाल बाप को दे दिया और कहा अब्बा जान अगर बेटा तुझे ज्यादा महबूब है तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले ताकि छुरी पेरते हुए तुझे बेटा नजर न आए। या अल्लाह इब्राहिम को तो उसके बेटे ने रुमाल दे दिया, तेरा हुसैन इतना मजलूम, आज इसके बेटे के पास बाप की आंखें बांधने के लिए रुमाल कोई नहीं। कहा जब मेरे बाप ने जुमला कहा मेरा बाप रोया, ये तीर बनकर मेरे सीने में लगा, हंसना चाहता हूँ ये बात मुझे हंसने नहीं देती है। सुन्नत ही तो थी, ज़ैनब लवारिस होके मदीने में गई, सुन्नत ही तो थी मेरे अजीजों, हुसैन पे गोरों का फल पड़ा हुआ था, सुन्नत ही तो थी। 4 से लेकर 11 बरसों तक हजरत हसन को जहर दिया गया, सुन्नत ही तो थी। अल्लाह अकबर, साहबा पेट में पत्थर बांध क्यों रह गए? सुन्नत की एक जगाने के लिए उनको सुन्नत की एक का एहसास हो गया, सुन्नत की बरकत से अल्लाह ने उनको ऊंचा कर दिया, फिर कितने ऊंचे हुए। अल्लाह अकबर, फतह मक्का का मौका आया। बिलाल आगे घुटनों से ऊपर नीचे थोड़ी सी तहमत फटी पड़ी, देखो कुर्ता कोई नहीं, चादर आती पीछे डालता है, आका खुल जाता है डालता है पीछा, फटा हुआ जूता। बिलाल बिलाल जी 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 यहाँ से चढ़ बैतुल्लाह की छत पर, वह खड़ा के आजान से सिद्दीक नीचे बिलाल ऊपर, उमर नीचे बिलाल ऊपर, अली नीचे बिलाल ऊपर, उस्मान नीचे, सारे नबियों का सरदार नीचे खड़ा है, बिलाल फटे जूते के साथ ऊपर खड़ा हुआ है। फरमाए बिलाल कह अल्लाहु अकबर। बिलाल ने क्यों करके अपने पांव से जूता निकाला, फरमाए बिलाल बिलाल अगर जूता उतार दिया अल्लाह अकबर दुनिया वालों को कैसे बताऊंगा जो मेरी सुन्नत पर चल पड़ता है उसका मकाम बैतुल्लाह की छत से भी ऊंचा हो जाता है। इस सुन्नत की अहमियत को दिलाने के लिए आज इन बच्चों के सर पर दस्तार बंधी हुई, आज इन बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया गया, कोई चाचा कोई ताया कोई मामा कोई मासी आई होगी, उदारा उदाहरण करता हूँ आप इस बार साहब की बच्चों की मेहनत को लाए करा जाने देना, जब तक ये बच्चे किरदार न कर ले कुरान याद करके रमजान में मुसल्ले में खड़े होकर तरह भी ना पढ़ाते, इन्हें स्कूल का दरवाजा ना दिखाना। अगर चाहते हो ये बच्चा तुम्हारे लिए जन्नत का वारिस बन जाए तो इसे भी मतीन भी पढ़ा देना, आलिम बना देना, पता नहीं इसकी आवाज कहाँ कहाँ जाएगी और बिखरी हुई मखलूक जुड़ेगी, भोली कौम दीन पर आएगी। अल्लाह अकबर, इनके कहने पर एक भी आदमी दीन पे खड़ा हो गया खुदा की कसम नस्लों के लिए जन्नतुल फिरदौस में जाने का जरिया बन जाएगा। अब मेरे अजीजों
मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अल्लाह अकबर कारों की बस्ती में आया। जिंदा दिलों लोगों, अल्लाह अकबर माल जान वाले लोगों, खैर वाले लोगों। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख हुआ, मौली साहब दो दुकानों के अंदर बैठ कर अल्लाह अकबर कुरान की निकड़ी सी मदरसी खोल के बैठा है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मौलाना चंदा करवा दूंगा, मौली साहब नहीं, मैंने कहा फंड करवा दूंगा नहीं। कहा मौलाना बड़े बड़े मुखैर हजरात बैठे हैं, अल्लाह के वास्ते किसी के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कुरान के इदारे के लिए कोई 5 मरले की जगह दे दे, अल्लाह के कुरान के लिए कोई 10 मरले की जगह दे दे, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। तो मेरे अजीजो, मेरी जोर जबरदस्ती सस्ती तो कोई नहीं, तुम्हारा लगता तो कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम कयामत के दिन झूठ बोलूं पकड़ लेना, जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ। 25 एकड़ औलाद को दे दो, 5 मरले खुदा को दे दो, पता नहीं 25 एकड़ का हिसाब होगा या ना हो, लेकिन 5 मरलों का हिसाब कोई नहीं होना। खुदा की कसम 25 एकड़ पर कुत्ते बिल्ले गाय पैसे बंधेगी, लेकिन 5 मरलों पर 24 घंटे कुरान पढ़ा जाता रहेगा। जिंदा रहे तो सीना ठहरेगा, खुदा की कसम मर गए कुरान ये पढ़ेंगे, कब्रों में जन्नत की ठंडी हवाएं हमारी चलेगी। बाकी मेरे अजीजों को शुरा कर लेना, कौन है जो 5-10 मरले के लिए। और चलो मेरे अजीजो, देने का वादा ना करे लेकिन कोई देने का इरादा ही कर दे कि इंशाअल्लाह मैं मदरसे के लिए जमीन खरीद कर दूंगा। अब पता नहीं अल्लाह किसके हाथ को बुलंद करता है, किसके हाथ को कबूल करता है, कौन है माशाल्लाह हाथ खड़ा करके कहे कि इंशाअल्लाह मैं मदरसे के लिए, मैं मदरसे के लिए, मैं मदरसे के लिए। मौली साहब आप कदम बढ़ाइए, आप जगह का इंतखाब कीजिए और जुमे के दिन मस्जिद में खड़े होकर ऐलान कीजिए, खुदा की कसम ये बाल क्या सीख रही कुरान क्या सीख है। लेकिन मौली साहब निशान लगाना तेरा काम है, अल्लाह अकबर चिश्ती दरवाजे के कागज तेरे हाथ में दे देना हमारा काम है। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा मेरे भाई, सारे लोग, और कौन जगह की कोशिश करेगा मेरे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारे माल जान पे बरकत दे। नमाज का वक्त हो रहा है, देखो भाई अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सुनकर आंख में आंसू आया, लेकिन उसी नबी का एक पैगाम है कि पहला सवाल नमाज का है, समझौता नो कम्प्रोमाइज नमाज पर, नमाज पढ़ने वाला हमारा, नहीं पढ़ने वाला हमारा नहीं, 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में बैठिए बैठिए। अभी एक नाथ खान बाकी पढ़ा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट में अल्लाह से माफी मांग ले, 3 मरतबा कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए। मेरे साथ नाथ खान सब चले, लेकिन आज मेरा बेटा अब्दुल समी आया हुआ है, पैसे नहीं कह रहा क्या आप इसको पैसे दें, बस इसकी हौसला अफजाई हो, स्टेज पर इसे खड़े होने का, इसकी ताकों की कब कभी जाए, इससे मौका मिले, कभी कभी इधर को होता तो इसको साथ, सिर्फ इंशाल्लाह 1 या 2 मिनट आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सना खानी, फिर उसके बाद दुआ, फिर इंशाल्लाह नमाज।